गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, अभी 12 बज रहे हैं। आज मेरी फेस आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा होगा। मुझे खुद को अपना स्किन देख करके मज़ा आ रहा है। तो मैं आइस क्यूब बनाई हूँ, आज आप देखे हो ना वो वीडियो, और वो बहुत बेहतरीन है। 7 आइस क्यूब बना के रखी हूँ। एक मैं अभी सुबह में अप्लाई कर चुकी हूँ, फिर एक नाइट टाइम में अप्लाई करूँगी, फिर गोल्डी अप्लाई करेगी, तो मेरे तो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाने वाले हैं। फिर दूसरे आइस क्यूब के ऊपर ट्राई करूँगी। तो ये वाला तो मार्वेलस रिजल्ट दिया, लेकिन जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही आप सब कीजिएगा। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं, 12 o'clock हो रहा है, थोड़ा बहुत सामान सब लेकर के आ गई हूँ। और गोल्डी अभी मैं खा रही हूँ, जा रही हूँ, मैं 12:30 लेक्चर है इसका, 12:30 से लेक्चर शुरू है। और आज मैं लेट उठी हूँ, आज गोल्डी लेट उठी है। एक्चुअली उठी तो जल्दी है, लेकिन बेड छोड़ी लेट से। और अंशु उठा है, नहाया है, सब कुछ किया है, मेरे साथ थोड़ा नीचे गया था, मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना था। हाँ वो तो बुला रहे हैं, आते तो बुलाए थे कि अर्बन क्लैप से एसी सर्विसिंग के लिए बुला लूँ क्या। फिर हम लोग डिसाइड किए कि भैया एक महीना किसी को नहीं बुलाना है। अंशु लोगों के रूम का जो एसी है वो उतना कूल नहीं कर रहा है, तो मैं अंशु को बोली हूँ कि अब मेरे रूम का गैस खत्म हो गया। हाँ, जो भी हो सर्विस करना, सर्विसिंग उसको हर साल में। विंडो एसी के ना बड़े एकदम से नखरे नहीं है, और स्प्लिट एसी के बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे हैं। हाँ बहुत चीप है उसका, बहुत चीप, बहुत सस्ते में कर देता है अर्बन क्लैप, लेकिन अभी रिस्की है भैया। कितना था? हाँ बहुत एकदम से नखरे नहीं है, स्प्लिट एसी के बहुत नखरे हैं। उनको हर साल उसको मेंटेनेंस चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए। मेरे बेडरूम के एसी को कितने साल हो गए हैं। गोल्डी जब टमी में थी उस टाइम में ही गुड्डू लिए थे उसको, तो गोल्डी से भी बड़ा है मेरे बेडरूम का एसी जो है, और वर्लपूल का है, और आज तक इतना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसका सर्विसिंग कर लेते, उसका सर्विसिंग खुद ब खुद हम गुड्डू कर देते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी गोल्डी कर लेती है, तो वो खुद से हो जाता है। गोल्डी नहीं करती है, मैं और गुड्डू करते हैं, हेल्प करती है। हाँ गोल्डी हेल्प करती है, तो वो है। लेकिन स्प्लिट एसी के बहुत नखरे हैं, लेकिन गोल्डी के रूम में ऑप्शन ही नहीं है विंडो एसी का, तो स्प्लिट एसी लगाना मजबूरी है। सोच रही BMM की भी पढ़ाई कर लूँ, गोल्डी के पास आउट हो जाती है उसके बाद मैं एडमिशन ले लेती हूँ, BMM का कर डिग्री ले लेती हूँ। और BMM की पढ़ाई के लिए कोई एज नहीं है। मैं तो गोल्डी का एडमिशन कराने गई थी, तो कितने सारे लड़के थे जो मुझे बोल रहे थे मैम आप एडमिशन कराने आओ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट। हमने भैया मैं नहीं, मेरी बेटी। कितने लोग पूछते थे मैम आप कौन से ईयर में एडमिशन करा रहे हैं, जॉब छोड़ के BMM कर रहे हैं। तो हाँ FDA छोड़ के, FDA करने के बाद भी मुझे बात नहीं करने देते। तो अभी जो है सो कि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या खाना बनाऊँ, बड़ा कंफ्यूजन है। इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, कुछ नहीं, इन्होंने ना ब्रेकफास्ट किया, ना लंच किया, ब्रंच किया है, यानी कि बस खाना का काम खत्म हो गया है। बस एक ही बार ये लोग खा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत सामान सब लेकर के आई हूँ, थोड़ा सा आलू, प्याज और भिंडी गई, लेकिन मुझे भिंडी उतना अच्छा नहीं लगा, तो भिंडी नहीं ली। ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी नहीं ली हूँ, आलू प्याज ले ली हूँ, और थोड़ा सा चिप्स वगैरह ले ली हूँ, कोक ले ली हूँ, कोक नहीं है क्या ली हूँ, क्या बनाऊ रात में। और गुंजन जी मुझसे पूछ रही थी कि पनीर कैसे फाड़ते, चलिए आज आपके लिए इस वीडियो में मैं फिर से पनीर फाड़ के आपको दिखलाती हूँ कि पनीर कैसे फाड़ते हैं। और आप भूल जाओगे मार्केट से पनीर खरीदना, इतने सॉफ्ट और इतने स्पंजी पनीर बनते हैं। मेरे घर में तो मार्केट का कोई पनीर नहीं खाता है, मतलब सब कहते हैं मार्केट का पनीर अजीब सा होता है, खाते ही नहीं है, और क्वांटिटी भी कितना ज़्यादा बनता है। क्या
हाँ बाहर का एक तू और घर का इतना अभी बाय इतना डिजाइन मार करके लेक्चर अटेंड करने जा रही नहीं नहीं बार 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 में मैं कोम नहीं की मैं हमेशा पढ़ाई के वक्त बार बार के पढ़ती नहीं तो ऐसे रहता लगता है कि टाइम पास ओह माय गॉड पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आती टाइम पास वाली फीलिंग आती है गोली को तो गोली हियर को चाइट हियर ही हाँ क्या कर रहा है वो उसको बोलो टैब पर यार अंशु के नखरे अंशु के नाटक से परेशान हूँ चलिए सोच रही हूँ तो स्टार्ट करती हूँ पनीर फाड़ने से चलिए कुछ सामान लाई हूँ और ये बैग सबको धोना है थोड़ा चिप्स का ये लाई हूँ गुड्डू के लिए खारी बिस्किट ये फैंटा ये सबको धोना है इसलिए सबको नीचे रखी हुई हूँ कि भैया धोऊँगी फिर सबको ऊपर डालूँगी और मैं तो चाय पत्ती के नाम पर ये टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ और ये मेरा दूध जो है सो कि उबल चुका है ये भैंस का दूध है और ये गाय का दूध है और पनीर जहाँ तक फाड़ने की बात है ये एलोवेरा जेल मेरा फ्रिज के अंदर रखा हुआ है और ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ क्योंकि एकदम ठंडा ठंडा लगाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और ये पैक जो बचा है मेरा वो फ्रिज के अंदर है जब फेस पे लगे मुझे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है बस जब सारा खाना बना लूँगी उसके बाद मैं एक बार ये पैक को लगा लूँगी मैं अभी गर्मी के मौसम में ना बहुत टाइम में पैक लगाती हूँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ कर लेती हूँ मैं और ये अभी ये है इसको लगा लूँगी मैं और ये कच्चा दूध रखा हुआ है मेरा फ्रिज के अंदर और अभी दूध जो है निकाल रही हूँ मैं पनीर फाड़ने के लिए तो अभी ये आया दूध और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये हो गया आप चाहें तो मलाई निकाल सकते हैं लेकिन मैं मलाई नहीं निकाल रही हूँ और मैं मलाई के साथ ही जो है दूध को फाड़ने वाली हूँ तो गैस को कर लूँगी मैं ऑन आज थोड़ा दूध कम है तो ये दूध उबल जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी और स्पेशली आपके लिए मैं जो है सो कि बना रही हूँ गुंजन जी और ये आलू है और आलू को मैं धो चुकी हूँ आने के बाद बाहर से मैं आलू को भी धो रही हूँ यार मुझे मतलब पर ही घबराहट होती है कि आलू तक को धो दूँ मैं तो धो करके रखी हूँ जब एकदम से ड्राई हो जाएगा फिर मैं डालूँगी गोल्डी के लिए नेस्कैफे लाई हूँ वो तो उसको रखी हूँ और ये बर्तन अभी धोना बाकी है मेरा इतने सारे बर्तन धोने बाकी है तो अभी धोऊंगी और यही सब चल रहा है तो उबाल लेना है अच्छे से जब ये बॉयल हो जाता है एकदम अच्छे से मेरा दूध बॉयल हो गया अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है एकदम एक नींबू को निचोड़ लेना है नींबू ठीक है इसका बीज आपको निकाल लेना है अच्छे से एकदम अच्छे से आप इसका बीज निकाल लें अब आपको क्या करना है तुरंत उबलने के तुरंत बाद आपको गैस को ऑफ करना है उसके बाद हाफ नींबू को इसके अंदर डालना है और धीरे धीरे आपको इसे चलाना है जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको चलाना शुरू करेंगी कि ये जो है ना पनीर जो है वो फटना शुरू हो जाएगा कभी भी उबलते दूध में नींबू या फिर दही नहीं डालना चाहिए एक तो वो ऐसे बम ऐसे करके आवाज़ करके है ना वो दूध फटता है और वो डेंजर होता है आपके हाथ पर आपके चेहरे पर भी गिर सकता है अभी मैं क्या करूँगी थोड़ा सा और एक नींबू मैं निचोड़ी हूँ इसके अंदर मैं डाल दूँगी अभी धीरे धीरे चलाते जाऊँगी और ये जो है पनीर जो है ये फटता चला जाएगा एकदम आराम से ये फटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे ये देखिए फटना शुरू हो गया दूध ये फटना शुरू हो चुका है ये देखिए हाफ नींबू है वो भी इसके अंदर मैं निचोड़ रही अगर एक नींबू के अंदर आपके बहुत ज्यादा रस है तो एक नींबू ही काफी होता है पनीर को फाड़ने के लिए लेकिन अगर आपके पास आपके नींबू में अगर ज़्यादा रस नहीं है जूस नहीं है तो एक से डेढ़ नींबू लग जाता है
ये देखिए आधा फट चुका है, अभी ये जो है नींबू ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए ये फटना शुरू हो गया। फट चुका ये एकदम से, ये देखिए ये फट चुका है। एकदम फट चुका, एकदम अच्छे से फट चुका। तो कोई भी एक कटोरी लेना है जिसके अंदर आप पानी डाल सके, ऐसे आपको ले लेना है, उसके अंदर पानी डाल देना है। और ये जो पनीर है जो फट चुका है उसको आपको ऐसे लेना है। आप कपड़े में अगर करते हो तो कपड़े में, मैं मोस्टली कपड़े में नहीं करती हूँ, जाली में करती हूँ मैं। तो अभी मैं क्या करूंगी आप देखिए, अभी मैं इसके अंदर ये डालने वाली हूँ। कोई भी खाली बर्तन लूंगी उसके अंदर इसको डालने वाली हूँ। ये देखिए अब जो इसके अंदर नींबू डाली हूं उसका खट्टापन ना रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ताकि नींबू का खट्टापन ना रहे, तो अब मैं क्या करूंगी इसको एक बार नल के नीचे डालूंगी, नल के नीचे पानी के नीचे डालूंगी इसे, और मैं ऐसे पानी के नीचे डाल के कर दी। अब इसको मैं क्या करूंगी, ये जो मैं ये ली थी ना जिसके अंदर मैं पानी डाली थी वो इसके अंदर प्रेस करूंगी, इसके ऊपर डालूंगी और ऐसे इसको प्रेस करूंगी। हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है, एकदम हल्के हाथ से। एकदम हल्के हाथे से इतना बेहतरीन पनीर बनने वाला है कि आप मार्केट से कभी भी पनीर खरीदोगे नहीं, आप खरीदना नहीं चाहोगे पनीर, इतना फ्लफी पनीर बनेगा। तो ये पनीर मेरा, अभी मैं क्या करूंगी 10 to 15 minutes इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही प्रेस करके छोड़ूंगी। एकदम हल्के हाथों से प्रेस करना है, ऐसे नहीं कि एकदम जोर से आपको प्रेस करना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है। 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही मैं छोड़ने वाली हूँ। अभी 10 से 15 मिनट के बाद ये पनीर कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखलाने वाली हूँ। तत्काल मैं शुरू करती हूँ दूसरा काम। अच्छा, ये जो पानी जो बचता है ना पनीर का, ये वाला पानी मैं स्टोर नहीं करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर आराम से 10 से 15 दिन तक, और इसी से आप फिर से पनीर को फाड़ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसको, मैं फेंक देती हूँ, और एक नींबू काफ़ी होता है पनीर फाड़ने के लिए। तो आई होप कि गुंजन जी आपको पनीर कैसे फाड़ते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं तत्काल सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं जा रही हूँ चावल थोड़ा सा धोने, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। तो फाइनली सोची हूँ कि चावल और मटर पनीर बना लेती हूँ। तो ये पनीर फाड़ चुकी हूँ मैं, बस अब चावल धोना है। चावल का पानी चढ़ा चुकी हूँ, और एक कढ़ाई के सामने नॉनस्टिक कढ़ाई फेल है, तो ये कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। बहुत सिंपल मटर पनीर बनाती हूँ मैं। तो शुरू करती हूँ, पहले चावल धो लेती हूँ, एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी और एक तरफ पनीर का सब कुछ कर दूंगी। तो चावल निकाल लेते हैं। बीच में माँ का कॉल आ गया था तो थोड़ा माँ से गप्पा मारने लगी, फिर मैं माँ को याद बोली हूँ कि अम्मा सुनो, तो मुझे गुंजन जी के लिए पनीर कैसे फाड़ना है वो बताना है। कहीं अच्छा रखो रखो बेटा, बाद में बात करेंगे, फिर वो रख दिए। तो चलिए चावल निकालते हैं। आज गई थी मैं लेने के लिए, बिग बास्केट में ऑर्डर की हुई हूँ, लेकिन चावल ही नहीं मिल रहा है। मेरा फेवरेट राइस ब्रांड यही है, दावत का दिव्या बासमती राइस, लेकिन ये नहीं मिलता है तो दावत का कोई और ब्रांड ले लेती हूँ। चार मीनार मुझे उतना नहीं पसंद है।
कैसे करना है वही सोच रही हूँ। मैजिक मॉप तो मिल नहीं रहा। हाँ गरिमा जी आपके पास तो मैजिक मॉप है, तो आप अमीर हैं। बबीता नेगी जी आप अमीर हैं। अनंत ज्योत जी आप भी अमीर हैं। मैं बहुत गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिक मॉप नहीं है। रियली गरीब हूँ, आज के डेट में गरीब हूँ मैं, मैजिक मॉप नहीं है। तो ये चावल ले ली हूँ, इसको दो तीन पानी से धोऊंगी फिर इसको बनाऊंगी। बालकनी में तो आप नाक नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा बदबूदार मेरा बालकनी हो गया, बहुत ज़्यादा बदबूदार हो गया है। मतलब थक गई मैं सफाई कर कर के, और ये कबूतर गंदा करने से थकते नहीं हो। ऐसा गंदा कर रहे हैं ना, ऐसा गंदा कर रहे हैं ना कि उसका कोई लिमिट ही नहीं। साफ बर्तन है वो हनी नहीं मिल रहा है यार। कोई हनी जिसके पास है तो हनी मुझे भेज दो यार, बिना मद के तो लगता है कि पानी ही नहीं पी हूं। खाना नहीं मिला है तो अम्मा बोली है कि बेटा दो बार तीन बार दो बार ना आज यही खा लो, आलू का भुजिया बना के खा लो, फ्राई करके खा लो। आलू जो होता है ना फल होता है, खा लो, उसे कहते हैं माँ। दुनिया में सब प्यार स्वार्थ, एक वही प्यार नहीं स्वार्थी नहीं। My baby got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me, I can take you down for a ride. I take you around my life. देखिए गुंजन जी पनीर इतने फ्लफी, इतने सॉफ्ट पनीर।
पनीर ही बना लूं, और पनीर को चढ़ा चुकी हूं मटर पनीर, और आई थिंक आपको पनीर बनाना समझ में आ गया होगा गुंजन जी, और बहुत बहुत ही टेस्टी पनीर बनता है। अगर जैसे बताई हूँ ना वैसे अगर आप पनीर बनाती हैं ना, तो फिर आप मार्केट का पनीर कभी 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 नहीं लें। मेरे घर में तो अगर जिस किसी दिन ऐसा होता है कि दूध कम हो जाता है और मैं मार्केट का पनीर लेकर के अगर आ जाती हूँ, तो गुड्डू, अंशु, गोल्डी सब जो है सो कि एकदम से पहचान जाते हैं कि ये मार्केट का पनीर है, क्योंकि वो ना वो एक सॉफ्ट नहीं होता, वो बोलते ना वो रबर टाइप का, इलास्टिक टाइप का ऐसा लगता है, चिम्मर बोलते ना सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा हो जाता है, लगता है जैसे कि एकदम अलग सा। वही आज मुझे मेरी स्किन बहुत 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 पसंद आ रही है, सीरियसली गजब वाली फीलिंग आ रही है। गोल्डी मेरे स्किन को देख के जल रही है, अभी वो लेक्चर अटेंड कर रही है और मुझे वो बोल के गई है कि मम्मा मैं निकलूँगी और मैं वो पैक लगाऊंगी। मैं बोली हूँ कि दिन में मत लगाओ, रात में माँ बेटी दोनों बैठ करके वो सीरियल देखेंगे, गोल्डी के बोरिंग सीरियल, साथ में मुझे भी बैठा देती है देखने के लिए, वो देखेंगे और वो करेंगे। बालकनी में कपड़ा फैला ही नहीं रही हूँ इसलिए नहीं, और मेरे पास इसलिए कपड़ा जमा हो जा रहा है क्योंकि सुबह मैं बेडशीट वगैरह पूरा चेंज की हूँ, तो वो पूरा वो हो गया, तो कहाँ रखूँगी, मशीन में ऑलरेडी कपड़ा, पहले बालकनी में वो जो गंदा कपड़ा का था वो बैग डाल देती थी। हाय हाय वो ज़िंदगी थी मेरी, ऐसी बकवास वाली ज़िंदगी हो गई है ना, और वो ज़िंदगी थी मेरी। बालकनी एक मतलब एक मेरा घर ही था एक तरह से, पूरा मेरा एक घर छिन गया मुझसे, सीरियसली एक मेरा घर छिन गया। और ये कबूतर की वजह से यार, मतलब लॉक लगा हुआ है, चारों तरफ लॉकडाउन है और मेरे घर में मेहमान आ गए। कौन से मेहमान आ गए हैं दिखलाऊं क्या आप लोगों को, दिखलाती हूँ। एक और कबूतर आ गया और मेरे पूरा मेरा इतना बड़ा प्लांट हो गया था, उसके ऊपर बैठ करके ना पूरा मेरा सुखा दिया और उसके ऊपर वो अंडा दे दिया। क्या उसके अंडा को नहीं वो मतलब कौन बोला मुझे कि अंडा को उठा करके फेंक हटा दीजिए और तो अपने आप कबूतर उड़ जाएगा, लेकिन मन नहीं कर रहा है हटाने का, क्योंकि उसके मतलब इच्छा नहीं हो रही है कि हटा दूँ उसका। गोदरेज के अंदर तो दो बच्चा चूँ 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 चूँ, आप दो बच्चा गोदरेज के अंदर और एक अंडा दे दी है कल। देखिए लॉकडाउन सबके लिए, ये कबूतर के लिए लॉकडाउन नहीं है, उसको पूरे सोसाइटी मेरा ही घर दिखा है, मेरे ही घर में आकर के बैठ गई हुई है और पूरा बैठ करके मेरे उसके ऊपर भी अंडा दे दी। इतना सुंदर सा क्या बोलते हैं उसको, सदा सुहागन, इतना बड़ा सा पेड़ हो गया था, पूरा पेड़ को तोड़ दिया मेरे यार, छोड़ो कबूतर का गान हो गया मेरा। रोज़ एक बार ना मेरे ब्लॉग में कबूतर का गान हो जाता है, थक गई हूँ यार सीरियसली। वही सब चल रहा है, अब यहाँ कपड़ा फैला कर फोल्ड करके रखी हुई हूँ, उसको हटाना है। और वो बेडरूम, अभी गुड्डू सोने चले गए हैं, लेटने चले गए हैं, बोले हैं कि मेरे बेडरूम में अंशु गोल्डी के चल रहे हैं, अंशु गोल्डी के लेक्चर चल रहे हैं और अंशु स्टडी कर रहा है, तो गुड्डू अंशु गोल्डी के रूम में लेट गए, बोले कि मुझे अभी यहाँ पर लेटने, तो गुड्डू बोले कि मुझे यहाँ पर लेटने, तो मैं बोली ठीक है आप वहाँ पर लेटे हुए हैं अपना, मैं आप लोगों के साथ गप्पा कर रही हूँ, मटर पनीर बना रही हूँ। तो ये लोग ब्रंच किए हैं, बोले हैं मैं एक बार अब ब्रंच करूँगा, नाश्ता वगैरह हो गया, नाश्ता खाना दोनों एक बार ही हो गया इनका, ये सब थोड़ा मटर पनीर चला लेती हूँ, झाड़ू देना है, पोछा करना है, बहुत काम पड़ा हुआ है, क्या करूँ। चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करती हूँ तो थोड़ा मेरा टाइम कट जाता है, नहीं तो टाइम काटना बहुत मुश्किल हो गया। बस थोड़ा और भून जाएगा तब उसमें डालूंगी थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी, थोड़ा सब्जी मसाला जो भी आप यूज़ करते हो, और उसके बाद जो है नमक तो डाल चुकी हूँ, उसके बाद उसको चलाऊंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल चुकी हूँ, फिर उसको थोड़ा भूनूंगी, जब मसाला मेरा भुना जाएगा वो सब्जी का, तो उसके अंदर थोड़ा सा मलाई डाल दूँगी, यानी कि दूध के ऊपर जो मलाई जो है
तो उसके ऊपर डाल दूंगी, थोड़ा सा फिर भूनूंगी, उसके बाद जो पनीर बनाई हूँ मैं तो पनीर उसके अंदर डाल दूंगी, पनीर फ्राई नहीं करती मैं, बस सीधा डाल दूंगी और टेस्टी बनता है, मगर उंगली चाट जाओगे ऐसा है। और आपका क्वेश्चन था कि आप क्या लगाते हो जो आपके ऐसे ही पिंक लिप्स है, देखिए कुछ भी नहीं है ना पिंक लिप्स। पता है क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ, मैं क्या करती हूँ सुबह जब उठती हूँ उठने के साथ मैं एलोवेरा लगा लेती हूँ, एलोवेरा जेल अपने लिप्स के ऊपर में लगा लेती हूँ। तो आपको क्या होता है जब आप एलोवेरा जेल लगा लेते हो ना तो आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, फटते नहीं हैं और अच्छा रहता है। और एक चीज़ और शेयर करती हूँ, अगर कंडीशनर ख़त्म हो गया है आपका और मतलब अगर आप बिना कंडीशनर किए, अगर मतलब बाल के कंडीशनर आपके मतलब आपका कंडीशनर ख़त्म हो गया और बिना कंडीशनर के आपके बाल हो जाते हैं बहुत ड्राई और बहुत रफ, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी एलोवेरा जेल आपके पास है पतंजलि का हो चाहे किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल हो, जब आप शैम्पू करके निकलते हो उसके बाद जब आपको बाल को अपने आप ड्राई करते हो ना उस समय ही गीले बाल में ही मतलब शैम्पू करते हो उसका टॉवल लपेटते हो ना जो भी करते हो उसका जब बाहर आते हो ना तो आप अपने पूरे बाल में जो है ना एलोवेरा जेल जो है वो उसको लगा ले, पूरा ऐसे ऐसे करके मसाज कर ले अपने पूरे बाल में, उसके बाद छोड़ दे। जब वो सूखता है उस समय तो आपको लगेगा कि बहुत स्टिकी हो गया, लेकिन जब वो सूखता है ना कमाल का होता है, दो दो टिप्पे दी ना आज का कोटा फुल हो गया। क्वेश्चन आया था तो मैं बोली क्वेश्चन का रिप्लाई करना पड़ता है। और गुंजन जी गरिमा जी का उस चैनल पे मैसेज नहीं आ रहा है, क्या हो गया गरिमा जी आपका फिर से उस चैनल पे मैसेज नहीं आ रहा है? सुतापा जी का तो आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है उस चैनल पे मैसेज, हो गया क्लास खत्म? ऐसे पार्टी में डाला है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। गोल्डी को नहीं पसंद है, लेकिन अब गोल्डी को उस पार्टी के बारे में अच्छे बातें करना पड़ेगा, क्योंकि बुरा बात नहीं कर सकते, जिस थाली में खाते हो उस थाली की बुराई नहीं करते। और गोल्डी को वैसे पार्टी में डाल दिया गया है जो कि गोल्डी को एक आंख पसंद नहीं है, उस पार्टी का नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन गोल्डी को उसके बारे में सिर्फ तारीफ करनी है, जो गोल्डी को हजम नहीं होगा, गोल्डी एक हाजमोला खाएगी फिर मुझे मत देना गलती से भी, मेरा थर्सडे है एक्शन मोड में उठती है, मुझे लगता है गोल्डी मुझे चीनी पानी देने जा रही है, मोटी चीनी पानी दे रही हूँ। चलिए प्याज भून गया, माँ बेटी के गप सप खत्म हो गए, अब ये किचन का गप सप शुरू हो चुका है। एक ग्लास चीनी पानी पिलाओ तो ना, नमक मत डालना। अंशु के कल एग्जाम है ऑनलाइन, तो उससे उसका अंशु तैयारी कर रहा है, और गोल्डी का कल डिबेट है उसमें मैम लाइव मार्क्स दे। ओके तो गोल्डी अपने शुरू करो, चलो गोल्डी अपने एग्जाम की तैयारी में, अंशु अपने एग्जाम की तैयारी और मैं अपने एग्जाम की तैयारी में। ये सबसे बड़ा काम है यार, अरे यार सीरियसली मेरे लिप्स कितने खूबसूरत है, ओ माय गॉड, मैं खुद की तारीफ खुद करूंगी। भैया कोई करे चाहे नहीं करे मेरी तारीफ, मैं खुद अपनी तारीफ कर लेती हूँ, मैं तारीफ की मोहताज नहीं हूँ कि कोई मुझे तारीफ करे, छवि तेरे नाक अच्छे, छवि तेरे होंठ अच्छे थे, छवि तेरे, मैं सुबह उठती हूँ कहती अरे वाह छवि, हाँ मैं नमक नहीं डाली हो ना, नहीं आज मेरा थर्सडे है भैया, तुम्हें डाउट था क्या? गोल्डी को डाउट है कि वो पागल दिख नहीं रही है, मैं बोली हूँ कि गोल्डी मुझे बोली है मैं क्या तुम्हें पागल दिख रही हूँ, मैं बोली कि अच्छा इसमें डाउट भी है क्या, गोल्डी को बोली हूँ गोल्डी झाड़ू दे दो पोछा कर दो, कल भी झाड़ू नहीं दी है, जा रही हूँ पढ़ाई करने, कल भी झाड़ू नहीं दी है और पोछा की तो बात ही नहीं, कर लो कि मैं कॉलेज में बैठी हूँ कपड़ा भी नहीं फैलाई है,
झाड़ू भी नहीं दी है, अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू भी देने, पोछा भी करने और बर कपड़ा भी फैलाने। इन लोगों का तो ऐसा ही चलता है। मैं बेचारी एक मैं हूँ इकलौती जो सारे घर के काम करती हूँ, बिना किसी हेल्प के कोई मुझे हेल्प नहीं करता। कबूतर का अंडा दिखलाऊंगी ना, नहीं दिखलाऊंगी, दिखलाने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं मेरे सोसाइटी का पेंटिंग कौन से ग्रह नक्षत्र में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।